दोस्तों स्मार्टफोन तो हम सभी यूज करते हैं और हमको कॉल डाइवर्ट या कॉल फॉरवर्डिंग का नाम भी सुना हुआ है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कॉल फॉरवर्डिंग होता क्या है या बेसिकली इसका क्या उपयोग होता है और हम इसको कैसे अपने मोबाइल में अनेबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल वाइज बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अब यहाँ पे बात की जाए कॉल फॉरवर्डिंग क्या होती है। जैसा कि आप कॉल फॉरवर्डिंग मतलब कि कॉल को आगे बढ़ाना या फॉरवर्ड करना, जैसे मान लीजिए आपका कोई नंबर है वो बिजी बता रहा है, आप कहीं बिजी हैं अनरीचेबल है, तो आप दूसरे नंबर पे कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसी को हम कॉल फॉरवर्डिंग या कॉल डाइवर्ट कह सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो जैसा कि मान लीजिए आपके पास दो स्मार्टफोन है, मान लीजिए आपको किसी ने कॉल किया, आप दोनों स्मार्टफोन की जगह बात कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई थर्ड पर्सन भी कॉलिंग कर रहा है जहाँ पे आपका जो फ़ोन है वो बिजी बता रहा है या अनरीचेबल बता रहा है, तो आप उस पर्सन को किसी दूसरे फ़ोन पे डाइवर्ट कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसके बाद जो आपका नंबर बिजी बता रहा था या फिर डिसकनेक्ट अनरीचेबल बता रहा था वो चीज़ें नहीं होंगी, आपका जो नंबर है वो किसी दूसरे नंबर पे जो कॉल है वो आसानी से फॉरवर्ड हो जाएगी। ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। अब यहाँ पे जो आपके लिए बेनिफिट होता है कॉल फॉरवर्डिंग का वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो स्मार्टफोन है, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं लेकिन आपको कैरी केवल एक करना है, तो आप इस सिचुएशन में भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग का, जहाँ पे आप इस नंबर के कॉल को आप इस नंबर पे फॉरवर्ड करके आप किसी एक स्मार्टफोन को ले जा सकते हैं, जहाँ पे आप दूसरे स्मार्टफोन के कॉल को आसानी से इस स्मार्टफोन में फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेटर ईजी हो जाएगा एक स्मार्टफोन को यूज कर पाना। दोस्तों ये तो हो गया पहला बेनिफिट। इसके बाद अगर आपका फ़ोन बिजी बता रहा है या फिर अनरीचेबल है, तो आप उस नंबर को भी कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए आसानी से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है हम कैसे इसको अनेबल करेंगे। तो यहाँ मैं आपको अपने स्मार्टफोन में ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसानी से मात्र कुछ ही मिनटों में अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग सुविधा ऑन कर लेंगे। यहाँ पे मैं बेसिकली 4 से 5 स्टेप होने वाले हैं जो कि मैं आपको 1 by 1 बताने वाला हूँ। तो ले चलूँगा अपने स्मार्टफोन में और आपको 1 by 1 दिखाऊँगा कि कैसे आपको सारे सेटअप कंप्लीट करने हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैं आ चुका हूँ अपने स्मार्टफोन में, यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कैसे आप अपने कॉल को कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे फ़ोन पे क्लिक करना है और आपको सेटिंग में जाना है। आपका सेटिंग देखिए यहाँ पे नीचे या ऊपर हो सकता है, तो यहाँ मैं सिंपली अपने सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे आप अपने सेटिंग पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉल सेटिंग में जानी है। देखिए आपको यहाँ नीचे मेरा कॉल सेटिंग दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही देखिए यहाँ पे मैं कॉल सेटिंग में आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल बैगिंग, वॉइस कॉल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो हमको सिंपली यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग में जाना है। जैसे आप कॉल फॉरवर्डिंग में जाते हैं आपको यहाँ पे वॉइस कॉल वीडियो कॉल दोनों का ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमको वॉइस कॉल स्पेल सेलेक्ट करना है, तो हम वॉइस कॉल पे चले जाते हैं। देखिए जैसे आप वॉइस कॉल पे आते हैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि आपको चारों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे ऑलवेज फॉरवर्ड, मतलब आप किसी नंबर को हमेशा फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी दूसरे नंबर पे, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि जब भी आप को किसी नंबर से कॉल आएगी वो दूसरे नंबर पे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि ऑलवेज फॉरवर्ड में आपको क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है व्हेन बिजी, मतलब आप किसी फ़ोन पे कॉल पे बात कर रहे हैं और आपको कोई और फ़ोन आने लगा तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको वहाँ ये नंबर डालना होगा और आपका जो फ़ोन है वो किसी दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि अगले पर्सन को ये नहीं पता चलेगा आप किसी कॉल पे बिजी हैं, आपका जो नंबर है वो आसानी से दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये सुविधा आप यूज कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन बिजी रहता है। इसके अलावा अनआंसर भी आता है, जो कोई तीसरा ऑप्शन है, अगर आपका फ़ोन अनआंसर हो जाता है या फिर आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए ये सुविधा काफ़ी अच्छा हो सकता है, जहाँ पे आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे आपको नंबर डाल के उस कॉल को किसी दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड कर देना होगा, जहाँ पे आप आसानी से बात कर पाएंगे अगर आप रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये भी आपके लिए थर्ड ऑप्शन हो सकता है, जो कि काफ़ी बेटर ऑप्शन हो सकता है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है अनरीचेबल, मतलब आपको कोई फ़ोन कर रहा है और आपका जो फ़ोन है वो अनरीचेबल बता रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे उस पर्सन का नंबर डाल देना होगा जिस पे आप अपने फ़ोन को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई कॉल करेगा तो अगर आपका फ़ोन अनरीचेबल बताएगा तो आपको सिंपली उस नंबर पे आपका कॉल जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा, इससे आपका जो फ़ोन है वो अनरीचेबल नहीं बताएगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको बता दिया कि अपने स्मार्टफोन में कैसे आप कॉल फॉरवर्डिंग या कॉल डाइवर्ट का यूज करके अपने कॉल को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं या कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, कॉल डाइवर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।